हे गाइस, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द इंडियन एक्सप्लोरर में। और आज मैं लेकर आई हूँ एक रिव्यू इस फेशियल किट का। इसे मैंने ओरिफ्लेम से मंगवाया है और ये फ्रूट फेशियल किट है और आज मैं इसका रिव्यू करने वाली। ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है और इसमें गराना, पपाया और पाइनएप्पल है जो कि आपके स्किन को नरिश करता है। इसमें चार टाइप के प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, फेस वॉश, स्क्रब, मसाज क्रीम और फेस मास्क। और घर पे इसकी मदद से फेशियल कैसे करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपको फेस को गीला करना होता है, उसके बाद ये फेस वॉश है, ये मैंने लिया। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना होता है, ये इतनी सी क्वांटिटी इनफ है। और इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, नेक एरिया में अप्लाई करना ना भूलें और आई एरिया को अवॉइड करना है। एंड जब भी मसाज करें तो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में करें। अगर आप डाउनवर्ड में मसाज करोगे तो स्किन थोड़ी सी ढीली हो जाती है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कभी भी कॉल करके मंगवा सकते हो। इसकी MRP है 1699, बट अभी इस पर 70% का डिस्काउंट चल रहा है। मुझे ये 70% के डिस्काउंट पे मिला है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। और ये प्रोडक्ट अमेज़न पे भी अवेलेबल है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप अमेज़न से लेना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। 3 से 5 मिनट मसाज करने के बाद मैंने इसे वाइप कर लिया है, तो आप चाहो इसे वाटर से वॉश भी कर सकते हो। मैंने इसे अच्छे से वाइप कर लिया है और गीले फेस में ही हमें नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना है, ये स्क्रब। और इसकी भी एक स्मॉल क्वांटिटी हमें लेना है, बस इनफ है पूरे फेस के लिए। और जैसे हमने फेस वॉश यूज किया था वैसे ही हमें करना है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में मसाज करना है हमें। इसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप देख रहे हो ट्यूब काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप मोर देन 10 times यूज़ कर सकते हो, यानी कि 10 बार से भी ज़्यादा आप घर में फेशियल कर सकते हो खुद से। और इसे भी 3 से 5 मिनट तक मसाज करना है इस तरह से, और उसके बाद गीले टिश्यू से या तो वाइप कर लो या फिर आप इसको वॉश कर सकते हो। मैंने यहाँ गीले टिश्यू से वाइप कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो ड्राई स्किन में करेंगे, तो स्किन हमें अच्छे से ड्राई करना है। और ये मसाज क्रीम है, क्रीम की क्वांटिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है। कई सारे ब्रांड के आपको डब्बे दिखेंगे जो देखने में बहुत बड़ा होता है बट अंदर में प्रोडक्ट बहुत कम होता है, आधा वो पैक रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितना बड़ा ये है फुल इसमें क्रीम है। और क्रीम को 15 से 20 मिनट आपको मसाज करना है, और मसाज करने टाइम हमें सिर्फ इस 3 उंगली का यूज़ करना है। 3 उंगली के टिप से हमें इस तरह से मसाज करना है और हल्के हाथों से इस तरह से सर्कुलर मोशन में 15 से 20 मिनट मसाज करना है। आई एरिया को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और जब आप पार्लर में जाते हो इस तरह से फेशियल कराने तो आप चाहे महंगी से महंगी क्रीम चूज़ करो बट वो आपके फेस पे कौन सी अप्लाई करते इसका गारंटी नहीं होता। तो इस तरह के प्रोडक्ट मंगवा के आप घर में इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसमें प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं होता। अगर आप में से किसी ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर बताना। वैसे इस वाले फेशियल किट को मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। और 15 से 20 मिनट के बाद क्रीम इस तरह से फेस में पूरी तरह से अंदर चला जाता है। और इसमें मैंने वाटर का यूज़ नहीं किया है मसाज करने टाइम, बिल्कुल ड्राई फेस में ये क्रीम लेना है और पूरी तरह से जब तक अंदर चले ना जाए तब तक इसको मसाज करते रहना है। उसके बाद आप इसे वाइप कर लो या अच्छे से वॉश कर लो। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो मास्क लगाने वाले हैं उसको भी एकदम सूखे फेस पे अप्लाई करना है, तो अच्छे से फेस साफ करने के बाद उसको ड्राई होने दें। उसके बाद हम ये फेस मास्क लगाएंगे और ये क्रीम टाइप ही है फेस मास्क, और इसको एक थिन लेयर हम पूरे फेस में इस तरह से लगा देंगे मास्क के जैसे, इसे पूरे फेस में लगाना है। और इसमें भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद आप सारे ट्यूब बंद करके रख सकते हो, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कई बार इसको यूज़ किया जा सकता है। और नेक एरिया में मास्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपका फेस फेयर हो जाता है और नेक एरिया ऐसे डार्क रहेगा तो देखने में बिल्कुल भद्दा लगता है। अब ये लग चुका है, 15 से 20 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये ज़्यादा सूखेगा नहीं। और 15-20 मिनट बाद पानी के साथ थोड़ा सा मसाज करते हुए इसको निकाल लेना है। तो मैं धोने के बाद आ गई हूँ और फेस काफ़ी स्मूथ लग रहा है, और कोई भी मैंने ऊपर से मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे दिए गए नंबर पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो, और अगर अमेजन से मंगवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।